दोस्तों अगर आप भी गिन्नी से सन्नी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिन्नी से सन्नी मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी नौ अक्टूबर दो में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी गिन्नी वेट सन्नी जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों पुनीत खन्ना जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से पाँच की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को पाँच में से दो की रेटिंग दी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को सिक्सटी तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि विक्रांत मेसी यामी गौतम ईशा तलवार मजील व्यासे सुहेल नेयर आयशा रज्जा मानसी शर्मा वीनस सिंह नेहा कक्कड़ बादशाह मिक्का सिंह करण छाबड़ा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छः मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है फिल्म की कहानी दिल्ली की है जहाँ सनी सेटी विक्रांत मेसी जिसके दो ही सपने हैं पहला किसी अच्छी लड़की के साथ प्यार और शादी दूसरा अपने पिता के हार्डवेयर स्टोर को तिलक नगर में तंदूरी स्नाइट में तब्दील करना जब सनी की कहीं दाल नहीं गलती तो उसकी बचपन की क्रस गिन्नी जुनेजा यामी गौतम की माँ आयसा रज्जा उसे अपनी बेटी का ऑफर देती है और हर वो तरकीब सिखाती है जिससे सनी किसी भी तरह गिन्नी को इम्प्रेस कर ले लेकिन जब बात बनने ही वाली होती है तो गिन्नी का एक्स बॉयफ्रेंड निशांति सुल नयर की एंट्री होती है अब सनी कैसे गिन्नी को पाता है इसे देखने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू के बारे में तो गिन्नी के तौर पर दिल्ली की पंजाबी कुड़ी के किरदार को यामी गौतम ने आराम से बेहतरीन तरीके से निभाया है वह न केवल इस किरदार में नेचर लगी है बल्कि बेहद खूबसूरत भी दिखती है विक्रांत मेसी वेब सीरीज के सुपर स्टार है लेकिन फिल्मों में उन्हें कमी मौका मिला है इस बार विक्रांत को फिल्मों के हिसाब से कॉमेडी इमोशन डांस और धूम धमाका करने का खूब मौका मिला है जिसका उन्होंने भरपूर फायदा भी उठाया है ऐसा रज्जा गिन्नी के मां के किरदार के लिए परफेक्ट छोई से जिसमें वे अच्छी लगी है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे अन्यथा दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके मैं जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नहीं हो नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों अगर आप भी गिन्नी से सन्नी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिन्नी से सन्नी मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी नौ अक्टूबर दो में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी गिन्नी वेट सन्नी जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा तो पसंद आने वाला आपको है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों पुनित खन्ना जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से पाँच की रेटिंग दी गई है ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को पाँच में से .5 की रेटिंग दी है और गूगल ने दोस्तों इस मूवी को सिक्सटी एट परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है यह मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि विक्रांत मेसी यामी गौतम ईशा तलवार मजील व्यास सुहेल नेयर आयशा रज्जा मानसी शर्मा वीनस सिंह नेहा कक्कड़ बादशाह मिक्का सिंह करण छाबड़ा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छः मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है फिल्म की कहानी दिल्ली की है जहाँ सनी सेटी विक्रांत मेसी जिसके दो ही सपने हैं पहला किसी अच्छी लड़की के साथ प्यार और शादी दूसरा अपने पिता के हार्डवेयर स्टोर को तिलक नगर में तंदूरी स्नाइट में तब्दील करना जब सनी की कही दाल नहीं गलती तो उसकी बचपन की क्रस गिन्नी जुनेजा यामी गौतम की माँ आयसा रज्जा उसे अपनी बेटी का ऑफर देती है और हर वो तरकीब सिखाती है जिससे सनी किसी भी तरह गिन्नी को इम्प्रेस कर ले लेकिन जब बात बनने ही वाली होती है तो गिन्नी का एक्स बॉयफ्रेंड निशांति सुल नयर की एंट्री होती है अब सनी कैसे गिन्नी को पाता है इसे देखने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू के बारे में तो गिन्नी के तौर पर दिल्ली की पंजाबी कुड़ी के किरदार को यामी गौतम ने आराम से बेहतरीन तरीके से निभाया है वह न केवल इस किरदार में नेचर लगी है बल्कि बेहद खूबसूरत भी दिखती है विक्रांत मेसी वेब सीरीज के सुपर स्टार है लेकिन फिल्मों में उन्हें कमी मौका मिला है इस बार विक्रांत को फिल्मों के हिसाब से कॉमेडी इमोशन डांस और धूम धमाका करने का खूब मौका मिला है जिसका उन्होंने भरपूर फायदा भी उठाया है आयशा रजा गिन्नी के माँ के किरदार के लिए परफेक्ट छोई से जिसमें वे अच्छी लगी है तो दोस्तों आप आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे अन्यथा तो दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की से वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके में जरूर बताएँ और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नहीं हो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों अगर आप भी गिन्नी से सन्नी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिन्नी से सन्नी मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी नौ अक्टूबर दो में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी गिन्नी वेट सन्नी जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर गर इन्जॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों पुनित खन्ना जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से पाँच की रेटिंग दी गई है टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को पांच में से दो पॉइंट की रेटिंग दी है और गूगल ने दोस्तों इस मूवी को सिक्सटी एट परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है यह मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि विक्रांत मेसी यामी गौतम ईशा तलवार मजील व्यास सुहेल नेयर आयशा रज्जा मानसी शर्मा वीनस सिंह नेहा कक्कड़ बादशाह मिक्का सिंह करण छाबड़ा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छः मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर कीजिएगा। आपको इस मूवी का काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है फिल्म की कहानी दिल्ली की है जहाँ सनी सेटी विक्रांत मेसी जिसके दो ही सपने हैं पहला किसी अच्छी लड़की के साथ प्यार और शादी दूसरा अपने पिता के हार्डवेयर स्टोर को तिलक नगर में तंदूरी स्नाइट में तब्दील करना जब सनी की कही दाल नहीं गलती तो उसकी बचपन की क्रस गिन्नी जुनेजा यामी गौतम की माँ आयसा रज्जा उसे अपनी बेटी का ऑफर देती है और हर वो तरकीब सिखाती है जिससे सनी किसी भी तरह गिन्नी को इम्प्रेस कर ले लेकिन जब बात बनने ही वाली होती है तो गिन्नी का एक्स बॉयफ्रेंड निशांत सुल नैयर की एंट्री होती है अब सनी कैसे गिन्नी को पाता है इसे देखने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू के बारे में तो गिन्नी के तौर पर दिल्ली की पंजाबी कुड़ी के किरदार को यामी गौतम ने आराम से बेहतरीन तरीके से निभाया है वह न केवल इस किरदार में नेचर लगी है बल्कि बेहद खूबसूरत भी दिखती है विक्रांत मेसी वेब सीरीज के सुपर स्टार है लेकिन फिल्मों में उन्हें कमी मौका मिला है इस बार विक्रांत को फिल्मों के हिसाब से कॉमेडी इमोशन डांस और धूम धमाका करने का खूब मौका मिला है जिसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा भी उठाया है ऐसा रज्जा गिन्नी के माँ के किरदार के लिए परफेक्ट छोई से जिसमें वे अच्छी लगी है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा तभी दोस्तों आप इस मूवी को इन्जॉय कर पाएंगे अन्यथा तो दोस्तों आप इस मूवी को इन्जॉय नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके में जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नहीं हो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों अगर आप भी गिन्नी वेट से सन्नी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिन्नी वेट्स सन्नी मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी नौ अक्टूबर दो में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी गिनी वेट सन्नी जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों पुनित खन्ना जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से 10 में से 5.7 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 68 परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है यह मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि विक्रांत मेसी यामी गौतम ईशा तलवार मजील व्यास सुहेल नेयर आयशा रज्जा मानसी शर्मा वीनस सिंह नेहा कक्कड़ बादशाह मिक्का सिंह करण छाबड़ा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छः मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है फिल्म की कहानी दिल्ली की है जहाँ सनी सेटी विक्रांत मेसी जिसके दो ही सपने हैं पहला किसी अच्छी लड़की के साथ प्यार और शादी दूसरा अपने पिता के हार्डवेयर स्टोर को तिलक नगर में तंदूरी स्नाइट में तब्दील करना जब सनी की कही दाल नहीं गलती तो उसकी बचपन की क्रस गिन्नी जुनेजा यामी गौतम की माँ आयसा रज्जा उसे अपनी बेटी का ऑफर देती है और हर वो तरकीब सिखाती है जिससे सनी किसी भी तरह गिन्नी को इम्प्रेस कर ले लेकिन जब बात बनने ही वाली होती है तो गिन्नी का एक्स बॉयफ्रेंड निशांत सुयल नयर की एंट्री होती है अब सनी कैसे गिन्नी को पाता है इसे देखने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी पड़ेगी मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू के बारे में तो गिन्नी के तौर पर दिल्ली की पंजाबी कुड़ी के किरदार को यामी गौतम ने आराम से बेहतरीन तरीके से निभाया है वह न केवल इस किरदार में नेचर लगी है बल्कि बेहद खूबसूरत भी दिखती है विक्रांत मेसी वेब सीरीज के सुपर स्टार है लेकिन फिल्मों में उन्हें कमी मौका मिला है इस बार विक्रांत को फिल्मों के हिसाब से कॉमेडी इमोशन डांस और धूम धमाका करने का खूब मौका मिला है जिसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा भी उठाया है ऐसा रज्जा गिन्नी के मां के किरदार के लिए परफेक्ट छोई से जिसमें वह अच्छी लगी है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा तभी दोस्तों आप इस मूवी को इन्जॉय कर पाएंगे अन्यथा दोस्तों आप इस मूवी को इन्जॉय नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके मैं जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नहीं हो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों अगर आप भी गिन्नी से सन्नी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिन्नी से सन्नी मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी नौ अक्टूबर दो में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी गिन्नी वेट सन्नी जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको यह मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों पुनित खन्ना जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब है। बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से 10 में से 5.7 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग है और गूगल इस मूवी को 68% परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है यह मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि विक्रांत मेसी यामी गौतम ईशा तलवार मजील व्यास सुहेल नेयर आयशा रज्जा मानसी शर्मा वीनस सिंह नेहा कक्कड़ बादशाह मिक्का सिंह करण छाबड़ा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छः मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है फिल्म की कहानी दिल्ली की है जहाँ सनी सेटी विक्रांत मेसी जिसके दो ही सपने हैं पहला किसी अच्छी लड़की के साथ प्यार और शादी दूसरा अपने पिता के हार्डवेयर स्टोर को तिलक नगर में तंदूरी स्नाइट में तब्दील करना जब सनी की कही दाल नहीं गलती तो उसकी बचपन की क्रस गिन्नी जुनेजा यामी गौतम की माँ आयसा रज्जा उसे अपनी बेटी का ऑफर देती है और हर वो तरकीबें सिखाती है जिससे सनी किसी भी तरह गिन्नी को इम्प्रेस कर ले लेकिन जब बात बनने ही वाली होती है तो गिन्नी का एक्स बॉयफ्रेंड निशांत सुयल नयर की एंट्री होती है अब सनी कैसे गिन्नी को पाता है इसे देखने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू के बारे में तो गिन्नी के तौर पर दिल्ली की पंजाबी कुड़ी के किरदार को यामी गौतम ने आराम से बेहतरीन तरीके से निभाया है वह न केवल इस किरदार में नेचर लगी है बल्कि बेहद खूबसूरत भी दिखती है विक्रांत मेसी वेब सीरीज के सुपर स्टार है लेकिन फिल्मों में उन्हें कमी मौका मिला है इस बार विक्रांत को फिल्मों के हिसाब से कॉमेडी इमोशन डांस और का करने का खूब मौका मिला है जिसका उन्होंने भरपूर फायदा भी उठाया है ऐसा रज्जा गिन्नी के माँ के किरदार के लिए परफेक्ट छोई से जिसमें वे अच्छी लगी है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मत कीजिएगा आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा तभी दोस्तों आप इस मूवी को इन्जॉय कर पाएंगे अन्यथा तो दोस्तों आप इस मूवी को इन्जॉय नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएँ और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों अगर आप भी गिन्नी वेट से सन्नी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिन्नी वेट से सन्नी मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी नौ अक्टूबर दो में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी गिन्नी सनी जो कि काफी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको यह मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों पुनित खन्ना जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से 10 में से 5.7 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग है और गूगल इस मूवी को 68% परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है यह मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि विक्रांत मेसी यामी गौतम ईशा तलवार मजील व्यास सुहेल नेयर आयशा रज्जा मानसी शर्मा वीनस सिंह नेहा कक्कड़ बादशाह मिक्का सिंह करण छाबड़ा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छः मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है फिल्म की कहानी दिल्ली की है जहाँ सनी सेटी विक्रांत मेसी जिसके दो ही सपने हैं पहला किसी अच्छी लड़की के साथ प्यार और शादी दूसरा अपने पिता के हार्डवेयर स्टोर को तिलक नगर में तंदूरी स्नाइट में तब्दील करना जब सनी की कही दाल नहीं गलती तो उसकी बचपन की क्रस गिन्नी जुनेजा यामी गौतम की माँ आयसा रज्जा उसे अपनी बेटी का ऑफर देती है और हर वो तरकीब सिखाती है जिससे सनी किसी भी तरह गिन्नी को इम्प्रेस कर ले लेकिन जब बात बनने ही वाली होती है तो गिन्नी का एक्स बॉयफ्रेंड निशांति सुयल नयर की एंट्री होती है अब सनी कैसे गिन्नी को पाता है इसे देखने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू के बारे में तो गिन्नी के तौर पर दिल्ली की पंजाबी कुड़ी के किरदार को यामी गौतम ने आराम से बेहतरीन तरीके से निभाया है वह न केवल इस किरदार में नेचल लगी है बल्कि बेहद खूबसूरत भी दिखती है विक्रांत मेसी वेब सीरीज के सुपर स्टार है लेकिन फिल्मों में उन्हें कमी मौका मिला है इस बार विक्रांत को फिल्मों के हिसाब से कॉमेडी इमोशन डांस और धमाका करने का खूब मौका मिला है जिसका उन्होंने भरपूर फायदा भी उठाया है ऐसा रज्जा गिन्नी के माँ के किरदार के लिए परफेक्ट छोई से जिसमें वे अच्छी लगी है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा तभी दोस्तों आप इस मूवी को इन्जॉय कर पाएंगे अन्यथा तो दोस्तों आप इस मूवी को इन्जॉय नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर, कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम, हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों अगर आप भी गिन्नी वेट से सन्नी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिन्नी वेट्स सन्नी मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी नौ अक्टूबर दो में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी गिन्नी वेट सन्नी जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों पुनीत खन्ना जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से पाँच की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को पाँच में से दो की रेटिंग दी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को सिक्सटी तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि विक्रांत मेसी यामी गौतम ईशा तलवार मजील व्यासे सुहेल नेयर आयशा रज्जा मानसी शर्मा वीनस सिंह नेहा कक्कड़ बादशाह मिक्का सिंह करण छाबड़ा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छः मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है फिल्म की कहानी दिल्ली की है जहाँ सनी सेटी विक्रांत मेसी जिसके दो ही सपने हैं पहला किसी अच्छी लड़की के साथ प्यार और शादी दूसरा अपने पिता के हार्डवेयर स्टोर को तिलक नगर में तंदूरी स् नाइट में तब्दील करना जब सनी की कहीं दाल नहीं गलती तो उसकी बचपन की क्रस गिन्नी जुनेजा यामी गौतम की माँ आयसा रज्जा उसे अपनी बेटी का ऑफर देती है और हर वो तरकीब सिखाती है जिससे सनी किसी भी तरह गिन्नी को इम्प्रेस कर ले लेकिन जब बात बनने ही वाली होती है तो गिन्नी का एक्स बॉयफ्रेंड निशांति सुयल नयर की एंट्री होती है अब सनी कैसे गिन्नी को पाता है इसे देखने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू के बारे में तो गिन्नी के तौर पर दिल्ली की पंजाबी कुड़ी के किरदार को यामी गौतम ने आराम से बेहतरीन तरीके से निभाया है वह न केवल इस किरदार में नेचर लगी है बल्कि बेहद खूबसूरत भी दिखती है विक्रांत मेसी वेब सीरीज के सुपर स्टार है लेकिन फिल्मों में उन्हें कमी मौका मिला है इस बार विक्रांत को फिल्मों के हिसाब से कॉमेडी इमोशन डांस और धमाका करने का खूब मौका मिला है जिसका उन्होंने भरपूर फायदा भी उठाया है ऐसा रज्जा गिन्नी के मां के किरदार के लिए परफेक्ट छोई से जिसमें वे अच्छी लगी है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मत कीजिएगा आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे अन्यथा तो दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नहीं हो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों अगर आप भी गिन्नी वेट से सन्नी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिन्नी वेट्स सन्नी मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी नौ अक्टूबर दो में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी गिन्नी वेट सन्नी जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों पुनित खन्ना जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से पाँच की रेटिंग दी गई है टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है और गूगल जज ने दोस्तों इस मूवी को 68% तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि विक्रांत मेसी यामी गौतम ईशा तलवार मजील व्यासी सुहेल नेयर आयशा रज्जा मानसी शर्मा वीनस सिंह नेहा कक्कड़ बादशाह मिक्का सिंह करण छाबड़ा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छः मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों ये मूवी आपको, आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आपको इस मूवी का काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है फिल्म की कहानी दिल्ली की है जहाँ सनी सेटी विक्रांत मेसी जिसके दो ही सपने हैं पहला किसी अच्छी लड़की के साथ प्यार और शादी दूसरा अपने पिता के हार्डवेयर स्टोर को तिलक नगर में तंदूरी स्नाइट में तब्दील करना जब सनी की कही दाल नहीं गलती तो उसकी बचपन की क्रस गिन्नी जुनेजा जामी गौतम की माँ आयसा रज्जा उसे अपनी बेटी का ऑफर देती है और हर वो तरकीब सिखाती है जिससे सनी किसी भी तरह गिन्नी को इम्प्रेस कर ले लेकिन जब बात बनने ही वाली होती है तो गिन्नी का एक्स बॉयफ्रेंड निशांति सुल नयर की एंट्री होती है अब सनी कैसे गिन्नी को पाता है इसे देखने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू के बारे में तो गिन्नी के तौर पर दिल्ली की पंजाबी कुड़ी के किरदार को यामी गौतम ने आराम से बेहतरीन तरीके से निभाया है वह न केवल इस किरदार में नेचर लगी है बल्कि बेहद खूबसूरत भी दिखती है विक्रांत मेसी वेब सीरीज के सुपर स्टार है लेकिन फिल्मों में उन्हें कमी मौका मिला है इस बार विक्रांत को फिल्मों के हिसाब से कॉमेडी इमोशन डांस और धूम धमाका करने का खूब मौका मिला है जिसका उन्होंने भरपूर फायदा भी उठाया है आयशा रज्जा गिन्नी के माँ के किरदार के लिए परफेक्ट छोईस है जिसमें वे अच्छी लगी है तो दोस्तों आप आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे अन्यथा तो दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके में जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नहीं हो नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों अगर आप भी गिन्नी से सन्नी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिन्नी से सन्नी मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी नौ अक्टूबर दो में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी गिन्नी वेट सन्नी जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों पुनित खन्ना जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से पाँच की रेटिंग दी गई है टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को पाँच में से दो पॉइंट की रेटिंग दी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को सिक्सटी एट परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है यह मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि विक्रांत मेसी यामी गौतम ईशा तलवार मजील व्यास सुहेल नेयर आयशा रज्जा मानसी शर्मा वीनस सिंह नेहा कक्कड़ बादशाह मिक्का सिंह करण छाबड़ा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छः मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है फिल्म की कहानी दिल्ली की है जहाँ सनी सेटी विक्रांत मेसी जिसके दो ही सपने हैं पहला किसी अच्छी लड़की के साथ प्यार और शादी दूसरा अपने पिता के हार्डवेयर स्टोर को तिलक नगर में तंदूरी स्नाइट में तब्दील करना जब सनी की कही दाल नहीं गलती तो उसकी बचपन की क्रस गिन्नी जुनेजा यामी गौतम की माँ आयसा रज्जा उसे अपनी बेटी का ऑफर देती है और हर वो तरकीब सिखाती है जिससे सनी किसी भी तरह गिन्नी को इम्प्रेस कर ले लेकिन जब बात बनने ही वाली होती है तो गिन्नी का एक्स बॉयफ्रेंड निशांति सुल नैयर की एंट्री होती है अब सनी कैसे गिन्नी को पाता है इसे देखने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू के बारे में तो गिन्नी के तौर पर दिल्ली की पंजाबी कुड़ी के किरदार को यामी गौतम ने आराम से बेहतरीन तरीके से निभाया है वह न केवल इस किरदार में नेचर लगी है बल्कि बेहद खूबसूरत भी दिखती है विक्रांत मेसी वेब सीरीज के सुपर स्टार है लेकिन फिल्मों में उन्हें कमी मौका मिला है इस बार विक्रांत को फिल्मों के हिसाब से कॉमेडी इमोशन डांस और का करने का खूब मौका मिला है जिसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा भी उठाया है ऐसा रजा गिन्नी के माँ के किरदार के लिए परफेक्ट छोई से जिसमें वह अच्छी लगी है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस ouais. मत कीजिएगा आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे अन्यथा तो दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की से वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके मैं जरूर बताएँ और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नई हो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों अगर आप भी गिन्नी से सन्नी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिन्नी से सन्नी मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी नौ अक्टूबर दो में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी गिन्नी वेट सन्नी जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों पुनित खन्ना जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से 10 में से 5.7 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग है और गूगल इस मूवी को 68% परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है यह मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि विक्रांत मेसी यामी गौतम ईशा तलवार मजील व्यास सुहेल नेयर आयशा रज्जा मानसी शर्मा वीनस सिंह नेहा कक्कड़ बादशाह मिक्का सिंह करण छाबड़ा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छः मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है फिल्म की कहानी दिल्ली की है जहाँ सनी सेटी विक्रांत मेसी जिसके दो ही सपने हैं पहला किसी अच्छी लड़की के साथ प्यार और शादी दूसरा अपने पिता के हार्डवेयर स्टोर को तिलक नगर में तंदूरी स्नाइट में तब्दील करना जब सनी की कही दाल नहीं गलती तो उसकी बचपन की क्रस गिन्नी जुनेजा यामी गौतम की माँ आयसा रज्जा उसे अपनी बेटी का ऑफर देती है और हर वो तरकीब सिखाती है जिससे सनी किसी भी तरह गिन्नी को इम्प्रेस कर ले लेकिन जब बात बनने ही वाली होती है तो गिन्नी का एक्स बॉयफ्रेंड निशांत सुल नयर की एंट्री होती है अब सनी कैसे गिन्नी को पाता है इसे देखने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी पड़ेगी मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो इन्जॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू के बारे में तो के तौर पर दिल्ली की पंजाबी कुड़ी के किरदार को यामी गौतम ने आराम से बेहतरीन तरीके से निभाया है वह न केवल इस किरदार में नेचर लगी है बल्कि बेहद खूबसूरत भी दिखती है विक्रांत मेसी वेब सीरीज के सुपर स्टार है लेकिन फिल्मों में उन्हें कमी मौका मिला है इस बार विक्रांत को फिल्मों के हिसाब से कॉमेडी इमोशन डांस और धूम धमाका करने का खूब मौका मिला है जिसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा भी उठाया है ऐसा रज्जा गिन्नी के मां के किरदार के लिए परफेक्ट छोई से जिसमें वह अच्छी लगी है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा तभी दोस्तों आप इस मूवी को इन्जॉय कर पाएंगे अन्यथा दोस्तों आप इस मूवी को इन्जॉय नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों अगर आप भी गिन्नी वेट से सन्नी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिन्नी वेट्स सन्नी मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी नौ अक्टूबर दो में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी गिन्नी वेट सन्नी जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों पुनित खन्ना जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से पाँच पॉइंट सात की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को पाँच में से दो पॉइंट पाँच की रेटिंग दी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 68% परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि विक्रांत मेसी यामी गौतम ईशा तलवार मजील व्यास सुहेल नेयर आयशा रज्जा मानसी शर्मा वीनस सिंह नेहा कक्कड़ बादशाह मिक्का सिंह करण छाबड़ा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छः मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए दोस्तों तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है फिल्म की कहानी दिल्ली की है जहाँ सनी सेटी विक्रांत मेसी जिसके दो ही सपने हैं पहला किसी अच्छी लड़की के साथ प्यार और शादी दूसरा अपने पिता के हार्डवेयर स्टोर को तिलक नगर में तंदूरी स्नाइट में तब्दील करना जब सनी की कही दाल नहीं गलती तो उसकी बचपन की क्रस गिन्नी जुनेजा यामी गौतम की माँ आयसा रज्जा उसे अपनी बेटी का ऑफर देती है और हर वो तरकीबें सिखाती है जिससे सनी किसी भी तरह गिन्नी को इम्प्रेस कर ले लेकिन जब बात बनने ही वाली होती है तो गिन्नी का एक्स बॉयफ्रेंड निशांति सुयल नयर की एंट्री होती है अब सनी कैसे गिन्नी को पाता है इसे देखने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू के बारे में तो गिन्नी के तौर पर दिल्ली की पंजाबी कुड़ी के किरदार को यामी गौतम ने आराम से बेहतरीन तरीके से निभाया है वह न केवल इस किरदार में नेचर लगी है बल्कि बेहद खूबसूरत भी दिखती है विक्रांत मेसी वेब सीरीज के सुपर स्टार है लेकिन फिल्मों में उन्हें कमी मौका मिला है इस बार विक्रांत को फिल्मों के हिसाब से कॉमेडी इमोशन डांस और धूम धमाका करने का खूब मौका मिला है जिसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा भी उठाया है ऐसा रज्जा गिन्नी के माँ के किरदार के लिए परफेक्ट छोई से जिसमें वे अच्छी लगी है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा तभी दोस्तों आप इस मूवी को इन्जॉय कर पाएंगे अन्यथा दोस्तों आप इस मूवी को इन्जॉय नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएँ और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नहीं हो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों अगर आप भी गिन्नी से सन्नी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिन्नी से सन्नी मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी नौ अक्टूबर दो में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी गिन्नी वेट सन्नी जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों पुनित खन्ना जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से 10 में से 5.7 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग है और गूगल इस मूवी को 68% परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है यह मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि विक्रांत मेसी यामी गौतम ईशा तलवार मजील व्यास सुहेल नेयर आयशा रज्जा मानसी शर्मा वीनस सिंह नेहा कक्कड़ बादशाह मिक्का सिंह करण छाबड़ा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छः मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर, कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है फिल्म की कहानी दिल्ली की है जहाँ सनी सेटी विक्रांत मेसी जिसके दो ही सपने हैं पहला किसी अच्छी लड़की के साथ प्यार और शादी दूसरा अपने पिता के हार्डवेयर स्टोर को तिलक नगर में तंदूरी स्नाइट में तब्दील करना जब सनी की कही दाल नहीं गलती तो उसकी बचपन की क्रस गिन्नी जुनेजा यामी गौतम की माँ आयसा रज्जा उसे अपनी बेटी का ऑफर देती है और हर वो तरकीब सिखाती है जिससे सनी किसी भी तरह गिन्नी को इम्प्रेस कर ले लेकिन जब बात बनने ही वाली होती है तो गिन्नी का एक्स बॉयफ्रेंड निशांत सोयल नयेर की एंट्री होती है अब सनी कैसे गिन्नी को पाता है इसे देखने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू के बारे में तो गिन्नी के तौर पर दिल्ली की पंजाबी कुड़ी के किरदार को यामी गौतम ने आराम से बेहतरीन तरीके से निभाया है वह न केवल इस किरदार में नेचर लगी है बल्कि बेहद खूबसूरत भी दिखती है विक्रांत मेसी वेब सीरीज के सुपर स्टार है लेकिन फिल्मों में उन्हें कमी मौका मिला है इस बार विक्रांत को फिल्मों के हिसाब से कॉमेडी इमोशन डांस और धमाका करने का खूब मौका मिला है जिसका उन्होंने भरपूर फायदा भी उठाया है ऐसा रज्जा गिन्नी के माँ के किरदार के लिए परफेक्ट छोई से जिसमें वे अच्छी लगी है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मत कीजिएगा आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा तभी दोस्तों आप इस मूवी को इन्जॉय कर पाएंगे अन्यथा तो दोस्तों आप इस मूवी को इन्जॉय नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके मैं ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम, हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों अगर आप भी गिन्नी वेट से सन्नी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिन्नी वेट्स सन्नी मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी नौ अक्टूबर दो में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी गिन्नी वेट सन्नी जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों पुनित खन्ना जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से 10 में से 5.7 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 68% परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि विक्रांत मेसी यामी गौतम ईशा तलवार मजील व्यास सुहेल नेयर आयशा रज्जा मानसी शर्मा वीनस सिंह नेहा कक्कड़ बादशाह मिक्का सिंह करण छाबड़ा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छः मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स तो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरीलाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है फिल्म की कहानी दिल्ली की है जहाँ सनी सेटी विक्रांत मेसी जिसके दो ही सपने हैं पहला किसी अच्छी लड़की के साथ प्यार और शादी दूसरा अपने पिता के हार्डवेयर स्टोर को तिलक नगर में तंदूरी स्नाइट में तब्दील करना जब सनी की कही दाल नहीं गलती तो उसकी बचपन की क्रस गिन्नी जुनेजा यामी गौतम की माँ आयसा रज्जा उसे अपनी बेटी का ऑफर देती है और हर वो तरकीब सिखाती है जिससे सनी किसी भी तरह गिन्नी को इम्प्रेस कर ले लेकिन जब बात बनने ही वाली होती है तो गिन्नी का एक्स बॉयफ्रेंड निशांति सुयल नयर की एंट्री होती है अब सनी कैसे गिन्नी को पाता है इसे देखने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू के बारे में तो गिन्नी के तौर पर दिल्ली की पंजाबी कुड़ी के किरदार को यामी गौतम ने आराम से बेहतरीन तरीके से निभाया है वह न केवल इस किरदार में नेचर लगी है बल्कि बेहद खूबसूरत भी दिखती है विक्रांत मेसी वेब सीरीज के सुपर स्टार है लेकिन फिल्मों में उन्हें कमी मौका मिला है इस बार विक्रांत को फिल्मों के हिसाब से कॉमेडी इमोशन डांस और धमाका करने का खूब मौका मिला है जिसका उन्होंने भरपूर फायदा भी उठाया है ऐसा रज्जा गिन्नी के मां के किरदार के लिए परफेक्ट छोई से जिसमें वे अच्छी लगी है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मत कीजिएगा आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे अन्यथा तो दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नहीं हो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों अगर आप भी गिन्नी वेट से सन्नी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिन्नी वेट्स सन्नी मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी नौ अक्टूबर दो में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी गिन्नी वेट सन्नी जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों पुनित खन्ना जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से पाँच की रेटिंग दी गई है टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को पांच में से .5 की रेटिंग दी है और गूगल ने दोस्तों इस मूवी को सिक्सटी एट परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है यह मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि विक्रांत मेसी यामी गौतम ईशा तलवार मजील व्यास सुहेल नेयर आयशा रज्जा मानसी शर्मा वीनस सिंह नेहा कक्कड़ बादशाह मिक्का सिंह करण छाबड़ा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छः मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से जरूर कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए दोस्तों तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है फिल्म की कहानी दिल्ली की है जहाँ सनी सेटी विक्रांत मेसी जिसके दो ही सपने हैं पहला किसी अच्छी लड़की के साथ प्यार और शादी दूसरा अपने पिता के हार्डवेयर स्टोर को तिलक नगर में तंदूरी स्नाइट में तब्दील करना जब सनी की कही दाल नहीं गलती तो उसकी बचपन की क्रस गिन्नी जुनेजा यामी गौतम की माँ आयसा रज्जा उसे अपनी बेटी का ऑफर देती है और हर वो तरकीबें सिखाती है जिससे सनी किसी भी तरह गिन्नी को इम्प्रेस कर ले लेकिन जब बात बनने ही वाली होती है तो गिन्नी का एक्स बॉयफ्रेंड निशांत सुल नैयर की एंट्री होती है अब सनी कैसे गिन्नी को पाता है इसे देखने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू के बारे में तो गिन्नी के तौर पर दिल्ली की पंजाबी कुड़ी के किरदार को यामी गौतम ने आराम से बेहतरीन तरीके से निभाया है वह न केवल इस किरदार में नेचर लगी है बल्कि बेहद खूबसूरत भी दिखती है विक्रांत मेसी वेब सीरीज के सुपर स्टार है लेकिन फिल्मों में उन्हें कम ही मौका मिला है इस बार विक्रांत को फिल्मों के हिसाब से कॉमेडी इमोशन डांस और धूम धमाका करने का खूब मौका मिला है जिसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा भी उठाया है ऐसा रज्जा गिन्नी के मां के किरदार के लिए परफेक्ट छोई से जिसमें वह अच्छी लगी है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा तभी दोस्तों आप इस मूवी को इन्जॉय कर पाएंगे अन्यथा दोस्तों आप इस मूवी को इन्जॉय नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके मैं जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नहीं हो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों अगर आप भी गिन्नी से सन्नी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिन्नी से सन्नी मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी नौ अक्टूबर दो में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी गिन्नी वेट सन्नी जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों पुनित खन्ना जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से पाँच की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को पाँच में से दो की दी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 68 तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि विक्रांत मेसी यामी गौतम ईशा तलवार मजील व्यास सुहेल नेयर आयशा रज्जा मानसी शर्मा वीनस सिंह नेहा कक्कड़ बादशाह मिक्का सिंह करण छाबड़ा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छः मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आपको इस मूवी का काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है फिल्म की कहानी दिल्ली की है जहाँ सनी सेटी विक्रांत मेसी जिसके दो ही सपने हैं पहला किसी अच्छी लड़की के साथ प्यार और शादी दूसरा अपने पिता के हार्डवेयर स्टोर को तिलक नगर में तंदूरी स्नाइट में तब्दील करना जब सनी की कहीं दाल नहीं गलती तो उसकी बचपन की क्रस गिन्नी जुनेजा यामी गौतम की माँ आयसा रज्जा उसे अपनी बेटी का ऑफर देती है और हर वो तरकीब सिखाती है जिससे सनी किसी भी तरह गिन्नी को इम्प्रेस कर ले लेकिन जब बात बनने ही वाली होती है तो गिन्नी का एक्स बॉयफ्रेंड निशांत सुल न की एंट्री होती है अब सनी कैसे गिन्नी को पाता है इसे देखने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू के बारे में तो के तौर पर दिल्ली की पंजाबी कुड़ी के किरदार को यामी गौतम ने आराम से बेहतरीन तरीके से निभाया है वह न केवल इस किरदार में नेचर लगी है बल्कि बेहद खूबसूरत भी दिखती है विक्रांत मेसी वेब सीरीज के सुपर स्टार है लेकिन फिल्मों में उन्हें कमी मौका मिला है इस बार विक्रांत को फिल्मों के हिसाब से कॉमेडी इमोशन डांस और धूम धमाका करने का खूब मौका मिला है जिसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा भी उठाया है ऐसा रज्जा गिन्नी के मां के किरदार के लिए परफेक्ट छोई से जिसमें वह अच्छी लगी है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा तभी दोस्तों आप इस मूवी को इन्जॉय कर पाएंगे अन्यथा तो दोस्तों आप इस मूवी को इन्जॉय नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके में जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नहीं हो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों अगर आप भी गिन्नी वेट से सन्नी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिन्नी वेट्स सन्नी मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी नौ अक्टूबर दो में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी गिन्नी वेट सन्नी जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों पुनित खन्ना जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से पाँच की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को पाँच में से दो की दी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 68% परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है यह मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि विक्रांत मेसी यामी गौतम ईशा तलवार मजील व्यास सुहेल नेयर आयशा रज्जा मानसी शर्मा वीनस सिंह नेहा कक्कड़ बादशाह मिक्का सिंह करण छाबड़ा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छः मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है फिल्म की कहानी दिल्ली की है जहाँ सनी सेटी विक्रांत मेसी जिसके दो ही सपने हैं पहला किसी अच्छी लड़की के साथ प्यार और शादी दूसरा अपने पिता के हार्डवेयर स्टोर को तिलक नगर में तंदूरी स्नाइट में तब्दील करना जब सनी की कही दाल नहीं गलती तो उसकी बचपन की क्रस गिन्नी जुनेजा यामी गौतम की माँ आयसा रज्जा उसे अपनी बेटी का ऑफर देती है और हर वो तरकीब सिखाती है जिससे सनी किसी भी तरह गिन्नी को इम्प्रेस कर ले लेकिन जब बात बनने ही वाली होती है तो गिन्नी का एक्स बॉयफ्रेंड निशांत सुल नैयर की एंट्री होती है अब सनी कैसे गिन्नी को पाता है इसे देखने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू के बारे में तो गिन्नी के तौर पर दिल्ली की पंजाबी कुड़ी के किरदार को यामी गौतम ने आराम से बेहतरीन तरीके से निभाया है वह न केवल इस किरदार में नेचर लगी है बल्कि बेहद खूबसूरत भी दिखती है विक्रांत मेसी वेब सीरीज के सुपर स्टार है लेकिन फिल्मों में उन्हें कम ही मौका मिला है इस बार विक्रांत को फ़िल्मों के हिसाब से कॉमेडी इमोशन डांस और धूम धमाका करने का खूब मौका मिला है जिसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा भी उठाया है ऐसा रज्जा गिन्नी के माँ के किरदार के लिए परफेक्ट छोई से जिसमें वे अच्छी लगी है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा तभी दोस्तों आप इस मूवी को इन्जॉय कर पाएंगे अन्यथा दोस्तों आप इस मूवी को इन्जॉय नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके मैं जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नहीं हो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों अगर आप भी गिन्नी से सन्नी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिन्नी से सन्नी मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी नौ अक्टूबर दो में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी गिन्नी वेट सन्नी जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा तो पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों पुनित खन्ना जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से 10 में से 5.7 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 68 परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है यह मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि विक्रांत मेसी यामी गौतम ईशा तलवार मजील व्यास सुहेल नेयर आयशा रज्जा मानसी शर्मा वीनस सिंह नेहा कक्कड़ बादशाह मिक्का सिंह करण छाबड़ा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर देखिए कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छः मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है फिल्म की कहानी दिल्ली की है जहाँ सनी सेटी विक्रांत मेसी जिसके दो ही सपने हैं पहला किसी अच्छी लड़की के साथ प्यार और शादी दूसरा अपने पिता के हार्डवेयर स्टोर को तिलक नगर में तंदूरी स्नाइट में तब्दील करना जब सनी की कही दाल नहीं गलती तो उसकी बचपन की क्रस गिन्नी जुनेजा यामी गौतम की माँ आयसा रज्जा उसे अपनी बेटी का ऑफर देती है और हर वो तरकीबें सिखाती है जिससे सनी किसी भी तरह गिन्नी को इम्प्रेस कर ले लेकिन जब बात बनने ही वाली होती है तो गिन्नी का एक्स बॉयफ्रेंड निशांत सुयल नयर की एंट्री होती है अब सनी कैसे गिन्नी को पाता है इसे देखने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी पड़ेगी मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू के बारे में तो गिन्नी के तौर पर दिल्ली की पंजाबी कुड़ी के किरदार को यामी गौतम ने आराम से बेहतरीन तरीके से निभाया है वह न केवल इस किरदार में नेचर लगी है बल्कि बेहद खूबसूरत भी दिखती है विक्रांत मेसी वेब सीरीज के सुपर स्टार है लेकिन फिल्मों में उन्हें कमी मौका मिला है इस बार विक्रांत को फिल्मों के हिसाब से कॉमेडी इमोशन डांस और का करने का खूब मौका मिला है जिसका उन्होंने भरपूर फायदा भी उठाया है ऐसा रज्जा गिन्नी के माँ के किरदार के लिए परफेक्ट छोई से जिसमें वे अच्छी लगी है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मत कीजिएगा आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा तभी दोस्तों आप इस मूवी को इन्जॉय कर पाएंगे अन्यथा दोस्तों आप इस मूवी को इन्जॉय नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नहीं हो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों अगर आप भी गिन्नी वेट से सन्नी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिन्नी वेट्स सन्नी मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी नौ अक्टूबर दो में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी गिन्नी वेट सन्नी जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों पुनित खन्ना जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से पाँच पॉइंट सात की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को पाँच में से दो पॉइंट पाँच की रेटिंग है और गूगल इस मूवी को 68% परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है यह मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि विक्रांत मेसी यामी गौतम ईशा तलवार मजील व्यास सुहेल नेयर आयशा रज्जा मानसी शर्मा वीनस सिंह नेहा कक्कड़ बादशाह मिक्का सिंह करण छाबड़ा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छः मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है फिल्म की कहानी दिल्ली की है जहाँ सनी सेटी विक्रांत मेसी जिसके दो ही सपने हैं पहला किसी अच्छी लड़की के साथ प्यार और शादी दूसरा अपने पिता के हार्डवेयर स्टोर को तिलक नगर में तंदूरी स्नाइट में तब्दील करना जब सनी की कही दाल नहीं गलती तो उसकी बचपन की क्रस गिन्नी जुनेजा यामी गौतम की माँ आयसा रज्जा उसे अपनी बेटी का ऑफर देती है और हर वो तरकीब सिखाती है जिससे सनी किसी भी तरह गिन्नी को इम्प्रेस कर ले लेकिन जब बात बनने ही वाली होती है तो गिन्नी का एक्स बॉयफ्रेंड निशांत सुयल नयर की एंट्री होती है अब सनी कैसे गिन्नी को पाता है इसे देखने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू के बारे में तो गिन्नी के तौर पर दिल्ली की पंजाबी कुड़ी के किरदार को यामी गौतम ने आराम से बेहतरीन तरीके से निभाया है वह न केवल इस किरदार में नेचर लगी है बल्कि बेहद खूबसूरत भी दिखती है विक्रांत मेसी वेब सीरीज के सुपर स्टार है लेकिन फिल्मों में उन्हें कमी मौका मिला है इस बार विक्रांत को फिल्मों के हिसाब से कॉमेडी इमोशन डांस और का करने का खूब मौका मिला है जिसका उन्होंने भरपूर फायदा भी उठाया है ऐसा रज्जा गिन्नी के माँ के किरदार के लिए परफेक्ट छोई से जिसमें वे अच्छी लगी है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मत कीजिएगा आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा तभी दोस्तों आप इस मूवी को इन्जॉय कर पाएंगे अन्यथा तो दोस्तों आप इस मूवी को इन्जॉय नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम, हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों अगर आप भी गिन्नी वेट से सन्नी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिन्नी वेट्स सन्नी मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी नौ अक्टूबर दो में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी गिन्नी सन्नी जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको यह मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों पुनित खन्ना जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से पाँच की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को पाँच में से दो की रेटिंग दी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को सिक्सटी तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि विक्रांत मेसी यामी गौतम ईशा तलवार मजील व्यास सुहेल नेयर आयशा रज्जा मानसी शर्मा वीनस सिंह नेहा कक्कड़ बादशाह मिक्का सिंह करण छाबड़ा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छः मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है फिल्म की कहानी दिल्ली की है जहाँ सनी सेटी विक्रांत मेसी जिसके दो ही सपने हैं तिलक किसी अच्छी लड़की के साथ प्यार और शादी दूसरा अपने पिता के हार्डवेयर स्टोर को तिलक नगर में तंदूरी स्नाइट में तब्दील करना जब सनी की कही दाल नहीं गलती तो उसकी बचपन की क्रस गिन्नी जुनेजा यामी गौतम की माँ आयसा रज्जा उसे अपनी बेटी का ऑफर देती है और हर वो तरकीबें सिखाती है जिससे सनी किसी भी तरह गिन्नी को इम्प्रेस कर ले लेकिन जब बात बनने ही वाली होती है तो गिन्नी का एक्स बॉयफ्रेंड निशांत सुयल नयर की एंट्री होती है अब सनी कैसे गिन्नी को पाता है इसे देखने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू के बारे में तो गिन्नी के तौर पर दिल्ली की पंजाबी कुड़ी के किरदार को यामी गौतम ने आराम से बेहतरीन तरीके से निभाया है वह न केवल इस किरदार में नेचर लगी है बल्कि बेहद खूबसूरत भी दिखती है विक्रांत मेसी वेब सीरीज के सुपर स्टार है लेकिन फिल्मों में उन्हें कमी मौका मिला है इस बार विक्रांत को फिल्मों के हिसाब से कॉमेडी इमोशन डांस और धूम धमाका करने का खूब मौका मिला है जिसका उन्होंने भरपूर फायदा भी उठाया है ऐसा रज्जा गिन्नी के माँ के किरदार के लिए परफेक्ट छोई से जिसमें वे अच्छी लगी है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा तभी दोस्तों आप इस मूवी को इन्जॉय कर पाएंगे अन्यथा तो दोस्तों आप इस मूवी को इन्जॉय नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर, कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों अगर आप भी गिन्नी वेट से सन्नी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिन्नी वेट्स सन्नी मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी नौ अक्टूबर दो में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी गिन्नी वेट सन्नी जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों पुनीत खन्ना जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से पाँच की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को पाँच में से दो की रेटिंग दी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को सिक्सटी तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि विक्रांत मेसी यामी गौतम ईशा तलवार मजील व्यासे सुहेल नेयर आयशा रज्जा मानसी शर्मा वीनस सिंह नेहा कक्कड़ बादशाह मिक्का सिंह करण छाबड़ा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छः मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है फिल्म की कहानी दिल्ली की है जहाँ सनी सेटी विक्रांत मेसी जिसके दो ही सपने हैं पहला किसी अच्छी लड़की के साथ प्यार और शादी दूसरा अपने पिता के हार्डवेयर स्टोर को तिलक नगर में तंदूरी स् नाइट में तब्दील करना जब सनी की कहीं दाल नहीं गलती तो उसकी बचपन की क्रश गिन्नी जुनेजा यामी गौतम की माँ आयसा रज्जा उसे अपनी बेटी का ऑफर देती है और हर वो तरकीब सिखाती है जिससे सनी किसी भी तरह गिन्नी को इम्प्रेस कर ले लेकिन जब बात बनने ही वाली होती है तो गिन्नी का एक्स बॉयफ्रेंड निशांति सुयल नयर की एंट्री होती है अब सनी कैसे गिन्नी को पाता है इसे देखने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू के बारे में तो गिन्नी के तौर पर दिल्ली की पंजाबी कुड़ी के किरदार को यामी गौतम ने आराम से बेहतरीन तरीके से निभाया है वह न केवल इस किरदार में नेचर लगी है बल्कि बेहद खूबसूरत भी दिखती है विक्रांत मेसी वेब सीरीज के सुपर स्टार है लेकिन फिल्मों में उन्हें कमी मौका मिला है इस बार विक्रांत को फिल्मों के हिसाब से कॉमेडी इमोशन डांस और धमाका करने का खूब मौका मिला है जिसका उन्होंने भरपूर फायदा भी उठाया है ऐसा रज्जा गिन्नी के मां के किरदार के लिए परफेक्ट छोई से जिसमें वे अच्छी लगी है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मत कीजिएगा आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे अन्यथा तो दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नहीं हो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों अगर आप भी गिन्नी वेट से सन्नी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिन्नी वेट्स सन्नी मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी नौ अक्टूबर दो में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी गिन्नी वेट सन्नी जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों पुनित खन्ना जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से पाँच की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को पाँच में से दो की रेटिंग दी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 68 तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि विक्रांत मेसी यामी गौतम ईशा तलवार मजील व्यासी सुहेल नेयर आयशा रज्जा मानसी शर्मा वीनस सिंह नेहा कक्कड़ बादशाह मिक्का सिंह करण छाबड़ा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छः मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको तो कहाँ पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से जरूर कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है फिल्म की कहानी दिल्ली की है जहाँ सनी सेटी विक्रांत मेसी जिसके दो ही सपने हैं पहला किसी अच्छी लड़की के साथ प्यार और शादी दूसरा अपने पिता के हार्डवेयर स्टोर को तिलक नगर में तंदूरी स्नाइट में तब्दील करना जब सनी की कहीं दाल नहीं गलती तो उसकी बचपन की क्रस गिन्नी जुनेजा यामी गौतम की माँ आयसा रज्जा उसे अपनी बेटी का ऑफर देती है और हर वो तरकीब सिखाती है जिससे सनी किसी भी तरह गिन्नी को इम्प्रेस कर ले लेकिन जब बात बनने ही वाली होती है तो गिन्नी का एक्स बॉयफ्रेंड निशांति सुल नयर की एंट्री होती है अब सनी कैसे गिन्नी को पाता है इसे देखने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी के रिव्यू के बारे में तो के तौर पर दिल्ली की पंजाबी कुड़ी के किरदार को यामी गौतम ने आराम से बेहतरीन तरीके से निभाया है वह न केवल इस किरदार में नेचर लगी है बल्कि बेहद खूबसूरत भी दिखती है विक्रांत मेसी वेब सीरीज के सुपरस्टार स्टार है लेकिन फिल्मों में उन्हें कमी मौका मिला है इस बार विक्रांत को फिल्मों के हिसाब से कॉमेडी इमोशन डांस और धूम धमाका करने का खूब मौका मिला है जिसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा भी उठाया है आयशा रज्जा गिन्नी के माँ के किरदार के लिए परफेक्ट छोई से जिसमें वे अच्छी लगी है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे अन्यथा दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम, हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नई हो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों अगर आप भी गिन्नी वेट से सन्नी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिन्नी वेट्स सन्नी मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी नौ अक्टूबर दो में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी गिन्नी वेट सन्नी जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों पुनित खन्ना जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से 10 में से 5.7 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 68% परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है यह मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि विक्रांत मेसी यामी गौतम ईशा तलवार मजील व्यास सुहेल नेयर आयशा रज्जा मानसी शर्मा वीनस सिंह नेहा कक्कड़ बादशाह मिक्का सिंह करण छाबड़ा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छः मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी तो की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए दोस्तों तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है फिल्म की कहानी दिल्ली की है जहाँ सनी सेटी विक्रांत मेसी जिसके दो ही सपने हैं पहला किसी अच्छी लड़की के साथ प्यार और शादी दूसरा अपने पिता के हार्डवेयर स्टोर को तिलक नगर में तंदूरी स्नाइट में तब्दील करना जब सनी की कही दाल नहीं गलती तो उसकी बचपन की क्रस गिन्नी जुनेजा जामी गौतम की माँ आयसा रज्जा उसे अपनी बेटी का ऑफर देती है और हर वो तरकीब सिखाती है जिससे सनी किसी भी तरह गिन्नी को इम्प्रेस कर ले लेकिन जब बात बनने ही वाली होती है तो गिन्नी का एक्स बॉयफ्रेंड निशांति सुल नैयर की एंट्री होती है अब सनी कैसे गिन्नी को पाता है इसे देखने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू के बारे में तो गिन्नी के तौर पर दिल्ली की पंजाबी कुड़ी के किरदार को यामी गौतम ने आराम से बेहतरीन तरीके से निभाया है वह न केवल इस किरदार में नेचर लगी है बल्कि बेहद खूबसूरत भी दिखती है विक्रांत मेसी वेब सीरीज के सुपर स्टार है लेकिन फिल्मों में उन्हें कमी मौका मिला है इस बार विक्रांत को फिल्मों के हिसाब से कॉमेडी इमोशन डांस और धूम धमाका करने का खूब मौका मिला है जिसका उन्होंने भरपूर फायदा भी उठाया है ऐसा रज्जा गिन्नी के माँ के किरदार के लिए परफेक्ट छोई से जिसमें वे अच्छी लगी है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा तभी दोस्तों आप इस मूवी को इन्जॉय कर पाएंगे अन्यथा दोस्तों आप इस मूवी को इन्जॉय नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके मैं जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम, हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नहीं हो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों अगर आप भी गिन्नी वेट से सन्नी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिन्नी वेट्स सन्नी मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी नौ अक्टूबर दो में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी गिन्नी वेट सन्नी जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों पुनित खन्ना जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से 10 में से 5.7 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 68% परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है यह मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि विक्रांत मेसी यामी गौतम ईशा तलवार मजील व्यास सुहेल नेयर आयशा रज्जा मानसी शर्मा वीनस सिंह नेहा कक्कड़ बादशाह मिक्का सिंह करण छाबड़ा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छः मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। आपको इस मूवी का काफी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है फिल्म की कहानी दिल्ली की है जहाँ सनी सेटी विक्रांत मेसी जिसके दो ही सपने हैं पहला किसी अच्छी लड़की के साथ प्यार और शादी दूसरा अपने पिता के हार्डवेयर स्टोर को तिलक नगर में तंदूरी स्नाइट में तब्दील करना जब सनी की कही दाल नहीं गलती तो उसकी बचपन की क्रस गिन्नी जुनेजा यामी गौतम की माँ आयसा रज्जा उसे अपनी बेटी का ऑफ़र देती है और हर वो तरकीबें सिखाती है जिससे सनी किसी भी तरह गिन्नी को इम्प्रेस कर ले लेकिन जब बात बनने ही वाली होती है तो गिन्नी का एक्स बॉयफ्रेंड निशांत सुल नैयर की एंट्री होती है अब सनी कैसे गिन्नी को पाता है इसे देखने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू के बारे में तो गिन्नी के तौर पर दिल्ली की पंजाबी कुड़ी के किरदार को यामी गौतम ने आराम से बेहतरीन तरीके से निभाया है वह न केवल इस किरदार में नेचर लगी है बल्कि बेहद खूबसूरत भी दिखती है विक्रांत मेसी वेब सीरीज के सुपर स्टार है लेकिन फिल्मों में उन्हें कमी मौका मिला है इस बार विक्रांत को फिल्मों के हिसाब से कॉमेडी इमोशन डांस और धूम धमाका करने का खूब मौका मिला है जिसका उन्होंने भरपूर फायदा भी उठाया है ऐसा रज्जा गिन्नी के माँ के किरदार के लिए परफेक्ट छोई से जिसमें वे अच्छी लगी है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा तभी दोस्तों आप इस मूवी को इन्जॉय कर पाएंगे अन्यथा तो दोस्तों आप इस मूवी को इन्जॉय नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके में जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नहीं हो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों अगर आप भी गिन्नी वेट से सन्नी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिन्नी वेट्स सन्नी मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी नौ अक्टूबर दो में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी गिन्नी वेट्स सन्नी जो कि काफी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है आपको यह मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों पुनित खन्ना जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से 10 में से 5.7 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 68 परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है यह मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि विक्रांत मेसी यामी गौतम ईशा तलवार मजील व्यास सुहेल नेयर आयशा रज्जा मानसी शर्मा वीनस सिंह नेहा कक्कड़ बादशाह मिक्का सिंह करण छाबड़ा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छः मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है फिल्म की कहानी दिल्ली की है जहाँ सनी सेटी विक्रांत मेसी जिसके दो ही सपने हैं पहला किसी अच्छी लड़की के साथ प्यार और शादी दूसरा अपने पिता के हार्डवेयर स्टोर को तिलक नगर में तंदूरी स्नाइट में तब्दील करना जब सनी की कही दाल नहीं गलती तो उसकी बचपन की क्रस गिन्नी जुनेजा यामी गौतम की माँ आयसा रज्जा उसे अपनी बेटी का ऑफर देती है और हर वो तरकीब सिखाती है जिससे सनी किसी भी तरह गिन्नी को इम्प्रेस कर ले लेकिन जब बात बनने ही वाली होती है तो गिन्नी का एक्स बॉयफ्रेंड निशांत सुयल नयर की एंट्री होती है अब सनी कैसे गिन्नी को पाता है इसे देखने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू के बारे में तो गिन्नी के तौर पर दिल्ली की पंजाबी कुड़ी के किरदार को यामी गौतम ने आराम से बेहतरीन तरीके से निभाया है वह न केवल इस किरदार में नेचर लगी है बल्कि बेहद खूबसूरत भी दिखती है विक्रांत मेसी वेब सीरीज के सुपर स्टार है लेकिन फिल्मों में उन्हें कमी मौका मिला है इस बार विक्रांत को फिल्मों के हिसाब से कॉमेडी इमोशन डांस और धमाका करने का खूब मौका मिला है जिसका उन्होंने भरपूर फायदा भी उठाया है ऐसा रज्जा गिन्नी के माँ के किरदार के लिए परफेक्ट छोई से जिसमें वे अच्छी लगी है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मत कीजिएगा आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा तभी दोस्तों आप इस मूवी को इन्जॉय कर पाएंगे अन्यथा तो दोस्तों आप इस मूवी को इन्जॉय नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों अगर आप भी गिन्नी वेट से सन्नी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिन्नी वेट्स सन्नी मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी नौ अक्टूबर दो में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी गिन्नी वेट सन्नी जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों पुनीत खन्ना जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से पाँच की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को पाँच में से दो पांच की रेटिंग दी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को सिक्सटी एट परसेंट तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि विक्रांत मेसी यामी गौतम ईशा तलवार मजील व्यास सुहेल नेयर आयशा रज्जा मानसी शर्मा वीनस सिंह नेहा कक्कड़ बादशाह मिक्का सिंह करण छाबड़ा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छः मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर, कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है फिल्म की कहानी दिल्ली की है जहां सनी सेटी विक्रांत मेसी जिसके दो ही सपने हैं पहला किसी अच्छी लड़की के साथ प्यार और शादी दूसरा अपने पिता के हार्डवेयर स्टोर को तिलक नगर में तंदूरी स्नाइट में तब्दील करना जब सनी की कही दाल नहीं गलती तो उसकी बचपन की क्रस गिन्नी जुनेजा यामी गौतम की माँ आयसा रज्जा उसे अपनी बेटी का ऑफर देती है और हर वो तरकीबें सिखाती है जिससे सनी किसी भी तरह गिन्नी को इम्प्रेस कर ले लेकिन जब बात बनने ही वाली होती है तो गिन्नी का एक्स बॉयफ्रेंड निशांत सुयल नयर की एंट्री होती है अब सनी कैसे गिन्नी को पाता है इसे देखने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू के बारे में तो गिन्नी के तौर पर दिल्ली की पंजाबी कुड़ी के किरदार को यामी गौतम ने आराम से बेहतरीन तरीके से निभाया है वह न केवल इस किरदार में नेचर लगी है बल्कि बेहद खूबसूरत भी दिखती है विक्रांत मेसी वेब सीरीज के सुपर स्टार है लेकिन फिल्मों में उन्हें कमी मौका मिला है इस बार विक्रांत को फिल्मों के हिसाब से कॉमेडी इमोशन डांस और धमाका करने का खूब मौका मिला है जिसका उन्होंने भरपूर फायदा भी उठाया है ऐसा रज्जा गिन्नी के माँ के किरदार के लिए परफेक्ट छोई से जिसमें वे अच्छी लगी है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मत कीजिएगा आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा तभी दोस्तों आप इस मूवी को इन्जॉय कर पाएंगे अन्यथा दोस्तों आप इस मूवी को इन्जॉय नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों अगर आप भी गिन्नी वेट से सन्नी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिन्नी वेट्स सन्नी मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 9 अक्टूबर 2020 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी गिन्नी वेट सन्नी जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों पुनीत खन्ना जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से पाँच की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को पाँच में से दो की रेटिंग दी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को सिक्सटी तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि विक्रांत मेसी यामी गौतम ईशा तलवार मजील व्यासे सुहेल नेयर आयशा रज्जा मानसी शर्मा वीनस सिंह नेहा कक्कड़ बादशाह मिक्का सिंह करण छाबड़ा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छः मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको यह मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है फिल्म की कहानी दिल्ली की है जहाँ सनी सेटी विक्रांत मेसी जिसके दो ही सपने हैं पहला किसी अच्छी लड़की के साथ प्यार और शादी दूसरा अपने पिता के हार्डवेयर स्टोर को तिलक नगर में तंदूरी स्नाइट में तब्दील करना जब सनी की कही दाल नहीं गलती तो उसकी बचपन की क्रस गिन्नी जुनेजा यामी गौतम की माँ आयसा रज्जा उसे अपनी बेटी का ऑफर देती है और हर वो तरकीब सिखाती है जिससे सनी किसी भी तरह गिन्नी को इम्प्रेस कर ले लेकिन जब बात बनने ही वाली होती है तो गिन्नी का एक्स बॉयफ्रेंड निशांत सोयल नयेर की एंट्री होती है अब सनी कैसे गिन्नी को पाता है इसे देखने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू के बारे में तो गिन्नी के तौर पर दिल्ली की पंजाबी कुड़ी के किरदार को यामी गौतम ने आराम से बेहतरीन तरीके से निभाया है वह न केवल इस किरदार में नेचर लगी है बल्कि बेहद खूबसूरत भी दिखती है विक्रांत मेसी वेब सीरीज के सुपर स्टार है लेकिन फिल्मों में उन्हें कमी मौका मिला है इस बार विक्रांत को फिल्मों के हिसाब से कॉमेडी इमोशन डांस और धूमधमाका करने का खूब मौका मिला है जिसका उन्होंने भरपूर फायदा भी उठाया है ऐसा रज्जा गिन्नी के माँ के किरदार के लिए परफेक्ट छोई से जिसमें वे अच्छी लगी है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मत कीजिएगा आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा तभी दोस्तों आप इस मूवी को इन्जॉय कर पाएंगे अन्यथा दोस्तों आप इस मूवी को इन्जॉय नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके मैं जरूर बताएँ और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नहीं हो नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों अगर आप भी गिन्नी से सन्नी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिन्नी से सन्नी मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी नौ अक्टूबर दो में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी गिन्नी वेट सन्नी जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों पुनित खन्ना जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को आई की तरफ से दस में से पाँच की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों इस मूवी को पाँच में से दो की हिंदी है और गूगल जज ने दोस्तों इस मूवी को 68% तक लाइक किया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि विक्रांत मेसी यामी गौतम ईशा तलवार मजील व्यास सुहेल नेयर आयशा रज्जा मानसी शर्मा वीनस सिंह नेहा कक्कड़ बादशाह मिक्का सिंह करण छाबड़ा आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है दो घंटे छः मिनट जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है हर एक एवरेज इस मूवी की कम से कम इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से जरूर कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए दोस्तों तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है फिल्म की कहानी दिल्ली की है जहाँ सनी सेटी विक्रांत मेसी जिसके दो ही सपने हैं पहला किसी अच्छी लड़की के साथ प्यार और शादी दूसरा अपने पिता के हार्डवेयर स्टोर को तिलक नगर में तंदूरी स्नाइट में तब्दील करना जब सनी की कही दाल नहीं गलती तो उसकी बचपन की क्रस गिन्नी जुनेजा यामी गौतम की माँ आयसा रज्जा उसे अपनी बेटी का ऑफर देती है और हर वो तरकीब सिखाती है जिससे सनी किसी भी तरह गिन्नी को इम्प्रेस कर ले लेकिन जब बात बनने ही वाली होती है तो गिन्नी का एक्स बॉयफ्रेंड निशांति सुल नैयर की एंट्री होती है अब सनी कैसे गिन्नी को पाता है इसे देखने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इंजॉय करनी ही पड़ेगी मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रिव्यू के बारे में तो गिन्नी के तौर पर दिल्ली की पंजाबी कुड़ी के किरदार को यामी गौतम ने आराम से बेहतरीन तरीके से निभाया है वह न केवल इस किरदार में नेचर लगी है बल्कि बेहद खूबसूरत भी दिखती है विक्रांत मेसी वेब सीरीज के सुपर स्टार है लेकिन फिल्मों में उन्हें कमी मौका मिला है इस बार विक्रांत को फिल्मों के हिसाब से कॉमेडी इमोशन डांस और धूम धमाका करने का खूब मौका मिला है जिसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा भी उठाया है ऐसा रज्जा गिन्नी के मां के किरदार के लिए परफेक्ट छोई से जिसमें वे अच्छी लगी है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी लेकिन दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा तभी दोस्तों आप इस मूवी को इन्जॉय कर पाएंगे अन्यथा दोस्तों आप इस मूवी को इन्जॉय नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके में जरूर बताएँ और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नहीं हो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद